किसकिंदापुर गांव में रोनिया के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने अमृत सरोवर तालाब का किया शुभारंभ। जल संरक्षण का दिलाया शपथ। वाराणसी जिले में काशी विद्यापीठ विकास खंड क्षेत्र के टिकरी गांव स्थित किसकिंदापुर में गुरुवार को पर्यावरणविद अनिल सिंह की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी डॉक्टर रचिता सिंह की देखरेख में अमृत सरोवर तालाब का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल व सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अली सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रवेश पटेल संयुक्त रूप से विधिवत वैदिक ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण व हवन पूजन के पश्चात फावड़ा चलाकर दो अमृत सरोवर तालाबों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणविद अनिल सिंह ने पर्यावरण जल संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जागरूक करते हुए उपस्थित लोगों को शपथ दिलाया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने सरकार द्वारा चलाए गए इस योजना के बारे में सराहना करते हुए कहा कि इन दिनों तालाबों का जनपद के आदर्श अमृत सरोवर बनाने हेतु मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने मनरेगा मजदूरों को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से ग्राम विकास अधिकारी अवनी सिंह जय, प्रमोद कुमार सिंह, विमल कुमार, रमेश साहनी, साधना बिंद, देवराज व विकास कुमार सहित मनरेगा मजदूर भी उपस्थित रहे। हमें आगे बढ़ा के 15 अगस्त तक इस कार्य को पूरा करना है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार रूप से बताया और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अमृत सरोवर के माध्यम से जिस ग्राम सभा में अमृत सरोवर बनेगा वहाँ के गांव का विकास भी होगा, विकास की कड़ी में मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। अभी हमारे चाचा जी ने कहा कि कमल का फूल, उसके अंदर कमल का फूल भी लगा के हम लोग उसकी भी खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी हमारे वीडियो महोदया ने बताया कि 250 नरेगा के वर्कर अगर लगेंगे तो आज से 15 अगस्त तक हम लोग कम से कम 250 लोगों को रोज प्रतिदिन काम देंगे, एक रोजगार का भी हम लोगों का सृजन होगा साथ में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, 15 अगस्त तक हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद भी 15 अगस्त के बाद हम इस तालाब के माध्यम से अपने गाँव को भी खुशहाल रख सकेंगे और इस तालाब का एक और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिस गांव में तालाब होता है उस गांव के क्षेत्रीय लोग जो लड़के होते हैं तो उसमें तैराक सीखते हैं, तो एक हम लोग तैराकी का भी प्रतिस्पर्धा इसमें काम कर सकते हैं।